हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर मालाखेड़ा थानांतर्गत बढ़ेर गांव में घर में सो रहे 54 वर्षीय बुजुर्ग की सोमवार की देर रात धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना के समय मृतक की पत्नी व एक अन्य महिला भी सोए हुए थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मालाखेड़ा थाना पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के बड़े बेटे हेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बढ़ेर गांव में उनके पिता शेर सिंह की अज्ञात बदमाश ने सोते वक्त धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी। मालाखेड़ा थाना पुलिस एएसआई भरत लाल ने बताया कि मृतक के बड़े बेटे हेमचंद अग्रवाल की ओर से रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बताया है कि देर रात उनके पिता घर में सोए हुए थे, तभी कोई अज्ञात बदमाश दीवार फांदकर घर में आया और धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर हत्या कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मृतक का नाम सब शेर सिंह अग्रवाल सनोप श्री रामचरण जाति महाजन, उम्र 54 साल के लगभग, निवासी बढ़ेर जो थाना मालाखेड़ा के इलाके में आता है, जिसकी रात्रि समय 11:30 बजे के लगभग कोई अज्ञात व्यक्तियों ने कोई धारदार हथियार से चोट मारी, जिसकी दौरान इलाज जीएच अलवर में मृत्यु हो गई। अब उसके सब संदिग्ध परिस्थिति अज्ञात व्यक्ति हैं, अब वो अनुसंधान का विषय है। फिलहाल क्या रिपोर्ट दी है आपको? अब भी रिपोर्ट इन्होंने अज्ञात व्यक्ति की दी है कि भाई कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि को चोट मार के चलेगा, फिर उसको इलाज के लिए ले आए और दौरान इलाज हॉस्पिटल में मृत्यु होगी। तो क्या गले वले पे वार किया है क्या? हाँ, गले पे है, धारदार कोई धारदार हथियार। हाँ ऐसा ही है, धारदार हथियार ही है। तो किस इन धाराओं में? 302 में दर्ज है। पोस्टमार्टम करवाया जाए। हाँ, पोस्टमार्टम करवाया जाने और वापसी पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा।